नमस्कार दोस्तों, संजय हेलो ग्रीन चैनल में आपका स्वागत है। आज करेले की खेती छत पर कैसे करनी है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो किचन गार्डन के शौकीन लोग हैं, सबसे पहले उनको करेले की ही खेती करनी चाहिए, क्योंकि करेला एक ऐसा सब्जी का पौधा है जो आसानी से ग्रो किया जा सकता है, जिसमें ज़्यादा मेहनत की कोई ज़रूरत ना होती है। आप देखे होंगे जहाँ कूड़े कचरे फेंका जाता है वहाँ भी करेले की पौधे निकल आते हैं, वहाँ भी दो चार फल आपको देखने को मिल जाएंगे। करेले के बीज को लगाने के लिए सबसे पहले उसको पानी में 24 घंटे के लिए डाल दें, उसके बाद करेले के बीज को मिट्टी में लगा दें। करेले का बीज लगभग 40 दिनों के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है और 3 से 4 महीने तक लगातार फ्रूटिंग करते रहता है। आइए आपको करेले का दिखाते हैं हम। ये करेले का बरसाती करेले का लॉन्गेस्ट सबसे लंबी वैरायटी है, आप देख सकते हैं। अभी फ्रूटिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, ये जून में लगाया गया था। कितनी सारी इसमें आपको फल दिखाई देगा, देखिए ध्यान से देखिए। ये फ्रूटिंग लगभग दिसंबर तक होती रहेगी, बस बीच बीच में इसकी वाटरिंग और थोड़ी फीडिंग की जरूरत पड़ती है, उसका ध्यान रखें। एक करेला पक भी रहा है, इसको हम सीड्स के अगले साल के सीड्स के लिए तोड़ लिए, इसमें से जो सीड्स निकलेगा अगले साल में यूज करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ पन्नी लगाई गई है, ये पन्नी एक्चुअली जो फ्रूट आता है उस फ्रूट के इनिशियल एक हफ्ते तक लगाई जाती है, जिससे कि इसके ऊपर इंसेक्ट का प्रभाव ना पड़े, उसके बाद इसको निकाल दिया जाता है। क्योंकि हम जब घर में कोई चीज़ लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि किसी तरह का इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि कीटनाशक का प्रयोग यदि घर में भी करेंगे तो घर में सब्जी लगाने का कोई मतलब नहीं है। एक दूसरा पौधा ये देखिए, ये यूएस एग्री सीड का है, यूएस एसडब्ल्यू 813 वैरायटी, ये पिछले साल लगाया गया था। छोटे छोटे इसमें अभी फल आने स्टार्ट हो गए हैं, देखा जाए इसके फल 250 से 300 ग्राम तक होते हैं, काफ़ी फलन होती है। ये पौधा दिसंबर महीने में लगाया गया था। ये करेले की पूसा दो मौसमी वैरायटी है। पूसा दो मौसमी एक ऐसा करेले की वैरायटी है जो पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली द्वारा डेवलप किया गया है। इस पौधों को स्प्रिंग और विंटर दोनों सीजनों में लगाया जा सकता है। आप 12 महीना कभी भी लगाएंगे ये फ्रूटिंग करेगा। ये फरवरी माह से कंटिन्यूस फ्रूटिंग कर रहा है। इसकी एक्चुअल क्वालिटी यह है, ठीक है, पहले शुरुआत में इसकी फ्रूटिंग बड़ी बड़ी होती है, अभी काफ़ी समय होने की वजह से इसकी फ्रूटिंग थोड़ी छोटी छोटी हो गई है। ये इन पौधों को गर्म हवाओं से बचाने के लिए हमने मचान विधि का प्रयोग किया था, क्योंकि मई जून में गर्म हवाएं चलती है, जिससे इसके ऊपर प्रभाव गर्म हवाओं का कम पड़े और फलन अच्छी हो। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।